वाले क्योंकि वो जमीन का ध्यान सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दिखाएं, आपके आपके बच्चों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करें, और अल्लाह ताला आप सबकी दिल की जाहिर मुरादें पूरी करें। तो इसी साल मैं आज बनाने जा रही हूँ ब्रेड रोल बीफ के कीमे के। तो आइए हम बताते हैं आप। ये ब्रेड और ये प्याज है बारीक कटी हुई, थोड़ा सा धनिया एक अदद, ये मैंने हरी मिर्च ली है, ये कीमा है और बस। अब मैं मसाले ऐड करूँगी तो मैं आपको बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, ये देखिए तेल गर्म हो गया, मैं इसे प्याज ऐड कर दूंगी। बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई है प्याज, ये मैंने इस कटर से काटी थी, ये मैंने 50 रुपीज का लिया था। मैंने जब इसको बॉईल किया था तो मैंने इसमें लहसुन अदरक और नमक मैंने शामिल किया था। तो मैं इसको प्याज के साथ फ्राई कर दूंगी, थोड़ा सा लहसुन अदरक की स्मेल आए, स्मेल ना आए, इसलिए थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। मैं इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर दूंगी, ये साबुत धनिया है थोड़ा सा लिया है मैं, इसमें धनिया आखिर में ऐड करूँगी, धनिया तैयार हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा पीसा हुआ धनिया डालूंगी, आधी चमची, आधी चमची हल्दी, आधी चमची काली मिर्च डालूंगी ना। नमक मैं थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मैंने चीनी में भी शामिल किया था, तो ये हद से ज़रूरत डाले नमक। ये देखिए अच्छे से साला हमारा भून गया है, तो भुआने लग गई है मसाले की। ये बहुत ही मज़े के होते हैं, आप घर में ट्राई करें, छोटे बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे वो बहुत शौक से खाते हैं। बच्चों को दें आप, टिफिन में दें स्कूल जब जाते हैं बच्चे। आप पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक ताकि आपको समझ में आए कि क्या बन रहा है। पूरा वीडियो देखते हैं तो ही समझ में आता है। ये देखें तो ये देखें हमारा मसाला जो प्रोटीन जो है हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये धनिया ऐड कर दूंगी, बस मैंने चूल्हे को ऑफ कर दिया है, ये हमारा प्रोटीन जो है तैयार है। अब ये ठंडी हो जाएगी फिर मैं इसको ब्रेड में कोटिंग करूंगी। तो आप देखते रहें वीडियो पूरा एंड तक, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो अगर मेरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि मैं आगे और अच्छे से अच्छा ब्लॉग बना सकूँ, वीडियो बना सकूँ। तो हम इसके ठंडे होने का वेट करते हैं, फिर मैं ये जो यकनी है, ये जो यकनी है मैं इस तरह से इसमें ब्रेड को पूरा गीला करके इस तरह से सारा जो ही लिक्विड में निकाल दूंगी। नहीं आएगी क्योंकि ये फ्राई हो जाते हैं,
तो इसमें जो गोश्त की जो स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और अच्छा आपको फ्लेवर लगेगा। क्योंकि मैं बनाती हूँ घर में, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बच्चे शौक से खाते हैं, आपके बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए ये जो साइटें हैं, मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, ज़ाया नहीं करूँगी, मैं इसका ब्रेड ग्राम बनाऊँगी, मैं इस पर जाल भी बनाऊँगी, क्योंकि ये मेरा जाल जो है ऊपर का जो है वो टूट गया है, तो मैं इसमें बनाऊँगी। इसमें भी अच्छे से बन जाता है, मैंने एक बार पहले भी बनाया था तो बहुत अच्छा बना था, पावर जो कम आ रहा है, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, मशीन नहीं चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, पावर कम आ रहा है। तो ये हमने इसमें डुबो दिया था, अब मैं इसमें ये जो मसाला है मैं इसमें डाल दूंगी, फिर मैं जो इसके रोल बना दूंगी इस तरह से। ये देखें हम रखते जाएंगे, बनाते जाएंगे। हम सारे बनाते जाएंगे, फिर मैं सारे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद। तो ये देखें हमने रोल बना लिए हैं, तो पहले हम ये मैदा लगाएंगे, मैदे की कोटिंग करेंगे, फिर इसको अच्छे से झाड़ देंगे, फिर हम इसमें अंडे में डालेंगे, फिर अंडा लगाएंगे, उसके बाद ये ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, बहुत जो मुश्किल से ब्रेड क्रम्ब बनाई है, पावर जो बहुत कम आ रहा था। अच्छे से लगाएंगे हम, तो देखें ये ऐसे ही आपको लगाने हैं अच्छे से। तो हम ये सारे लगा लेंगे, फिर आपको हम बताते हैं, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आप कमेंट्स में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी है, अच्छी नहीं है, बुरी है, मैं न्यू तो मुझे भी इतना बोलना नहीं आता है, हिचकिचाहट होती है। तो ये देखे मैं फ्राई कर रही हूँ इसको, बस ज़्यादा तेल, ज़्यादा देर तक हम तेल में नहीं रखेंगे, ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बने हैं, ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं। गोल्डन फ्राई हो गए हैं ये, बस आपको इसे ही रखने हैं गोल्डन फ्राई, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्रेड रोल तैयार है मज़ेदार, तो ये देखो बहुत ही कुरकुरे से ये बने हैं, ये देखें इसकी आवाज़ देखें।
अच्छी दिखे, बहुत कुरकुरे से हैं ये, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये देखें। बनो खाके दिखाएगी कैसा बने हैं। देखो प्लेट में पहले ही केचप डाल के रखी है इसमें ट्राई करने के लिए। कुर्बानो बताओ कैसे बने, गरम है कैसे बने हैं बताओ। क्या यमी, तो हाय करो हमारे फ्रेंड्स को, बोलो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बेटी को बोलना नहीं आ रहा, वो रही ज़ैनब। ज़ैनब हाय करो, ज़ैनब हाय करो। हाँ इतनी प्यारी सी बेटी आ गई रही है। तो ये आप घर में ट्राई करें, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। ये देखें सारे कुर्बानों ने जो ना सेटिंग आउट कर दी, तो आप ट्राई करें घर में। ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें बहुत ही मज़े के होते हैं ये। ये देखें बिल्कुल भी अंदर जो है इसके अंदर ऑयल नहीं गया है, गया है क्योंकि हमें क्रोटीन जो है मैदे की फिर हमने अंडा ऐड किया, फिर हमने ब्रेड गरम लगाया, इस वजह से ब्रेड के अंदर जो है तेल अंदर। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ हमें इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।